आप में पहली बार ललित कसीरू की तरफ से पिछले मैच में इन्होंने करिश्मा किया था, देखना होगा कि इस बार क्या करते हैं। और अंक लेने में कामयाब हुए, ललित को कुछ अद्भुत करके दिखाना होगा दोस्तों। इंटरवल के बाद पहला अंक अर्जित किया ललित ने कसीरू के लिए। सिर्फ ललित के अद्भुत करने से कुछ नहीं होगा, डिफेंस को भी कुछ अद्भुत करना होगा कसीरू के। वो भी कसाना, नितिन अपनी ख्याति के अनुरूप नहीं खेल पा रहे हैं आज। नितिन को कुछ अच्छे टैकल पॉइंट लेने होंगे और फिर से वही गलती जो अभी तक करते आ रहे थे, फिर से एडवांस टैकल बॉबी कसाना के ऊपर और एक और अंक बॉबी के खाते में। 61 नंबर की जर्सी में ललित, ललित एक बार फिर से देख पर पिछली रेट में अंक लाने में कामयाब हुए थे, देखना होगा कि इस बार। कोई बात नहीं, अंक है तो मिलेगा, रेफ हिसाब दे दे ललित भाई, अंक मिलेगा आपको। विवाद बराबर है, तीन तीन रेफ है भैया, कहां तक बचोगे? कसीरू तो चचूला एक इंटरवल के बाद, और एक बार बॉबी फिर से रेड पर, और ये फिर से टैकल करने की कोशिश बिल्कुल बराबर की टक्कर हुई इस बार बॉबी के सामने। अमित कसीरू बिल्कुल सही समय पर टैकल किया अमित कसीरू ने और पकड़ गए यहां पर बॉबी कसाना। स्कोर 3 कसीरू 1 चचूला। मैं आपसे कह रहा था दोस्तों कि इस मैच में कुछ भी संभव है। बिल्कुल, डिफेंस ने भी अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है और फिर से आशीष का फिर से थोड़ा सा एडवांस टैकल और एक और अंक ललित के खाते में। स्कोर कसीरू 4 चचूला 1। बॉबी कसाना, देखना होगा कि इस रेड में क्या करते हैं बॉबी। फिर से एडवांस टैकल करने की पर इस बार सपोर्ट पूरा नहीं मिला। ललित एक बार फिर से रेट पर और फिर से बहुत ही अच्छा टैकल करने की कोशिश। भैया डिसीजन तो सुन लो, सब जानते हैं भैया रेफरी, सब जानते हैं। और अंक गया रेफरी साहब की जेब में, बिल्कुल सुरक्षित। भैया तीन तीन रेफरी हैं, सबके साथ न्याय होगा। भगवान ने हमारे साथ न्याय किया है कि आज बारिश नहीं की, और ये निर्णायक महोदय तुम्हारे साथ न्याय करेंगे। एक बार फिर से बॉबी पर फिर से वही गलती नितिन के द्वारा की, एडवांस टैकल करने जा रहे हैं बार बार और उसी का खामियाजे भुगतना पड़ रहा है। एक समय जो तीन अंक की बढ़त बनाई थी कसीरू ने, अब वो कम होती जा रही है और ये कम की रह गई है अब इंटरवल के बाद। ललित एक बार फिर से और बहुत अच्छी जंप, नंबर लगा भी तो किससे है आशीष, कबड्डी के प्रो कबड्डी के सुपर स्टार डिफेंडर से जज्बा दिखाना होगा यहाँ पर, एकाग्रता बनाए रखनी होगी कसीरू को। बॉबी एक बार फिर से रेट पर और एंकल होल्ड की कोशिश पर कामयाब नहीं हुए, और एक बार फिर ललित
हमारी टीम को अंक दिलाने के प्रयास में जुझारू रूप दिखा रहे हैं दोस्तों। एक बार फिर से ला लेते हैं, देखना होगा कि कहां से अंक लेने में कामयाब होते हैं। जी हाँ, जब नंबर था मिल गया फिर क्यों बहस करते हो? कोई बात नहीं है, तुम्हें तो आदत पड़ रही है झूठ पकड़ने के लिए, तो तुम्हें खड़ा करा। डॉक्टर साहब साइड मौजूद और दोस्तों इंद्रदेव को बहुत गुस्से में है, काले काले बादल जब हाथ गिरते हो तब ध्यान गिर होगा। और ललित छह अंक पर है, कसेरू पांच अंक पर है, हल्लू नागर चचुला इंटरवल के बाद ललित एक बार फिर से रेट पर, देखना होगा कि इस बार फिर से वही एडवांस टैकल करने की कोशिश और अंक चुराया ललित ने। ललित ने बहुत मेहनत की है इस समय का थोड़ा सा, लेकिन डिफेंस को संभलना होगा, डिफेंस में सपोर्ट नहीं मिला है ललित को, वरना इस मैच का नतीजा कुछ और हो सकता था। डिफेंडरों को बॉबी कसाना को रोक पाना बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे उनका नाम है उसके हिसाब से उन्होंने प्रदर्शन इस मैच इस फाइनल मैच में नहीं किया है। और ललित फिर से और फिर से अंक लिया ललित।